कल रात से देश में क्रिकेट फैन में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि भारत ने सेमीफाइनल के खास मुकाबले में इंग्लैंड को करारी मात देते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और 2022 के सेमीफाइनल का बदला तो लिया ही, साथ में अंग्रेजों से दुगुना लगान भी वसूल कर लिया है। लगातार खराब मौसम से घिरे इस मैच का क्या रहा पूरा हाल, चलिए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। कल रात भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना था, पर यहां मौसम खराब था और 70% बारिश होने का अनुमान था। ऐसा हुआ भी, जिसकी वजह से मैच देर से शुरू हुआ और बीच बीच में बाधित भी होता रहा। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी चुना, क्योंकि पिछले 4 बड़े मैचों में से 3 मैच इंग्लैंड ने चेस करते हुए बड़े ही आराम से जीत दर्ज की थी। पर आज भारत का दिन था। भारत की बैटिंग शुरू हुई तो लगा कि बढ़िया शुरुआत हुआ है, क्योंकि कोहली ने बेहतरीन छक्का लगाया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उन्हें टोपली ने क्लीन बोल्ड करके वापसी का रास्ता दिखा दिया और शुरुआत एक बार फिर से खराब रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोहली ये सोच रहे हो कि हमेशा मैं ही रन बनाता हूँ और बाकी लड़के मेहनत नहीं करते, इसलिए हम हार जाते हैं। तो इस बार कोहली की कप जीतने की या दूसरी टाइप की प्लानिंग लग रही है कि भले ही मैं अच्छा ना खेलूं, लेकिन पूरी टीम अच्छा खेलकर जीतती रहे। तो भले ही शर्मा जी का दामाद सस्ते में निपट गया हो, पर शर्मा जी का लड़का अपना कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में आ गया है। उन्होंने हरकत करती हुई पिच पर बड़ी सूझबूझ से खेलते हुए अंग्रेजी गेंदबाजों की जमकर क्लास ली और 39 गेंद में 57 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद पंत फिर से फेल रहे, मात्र 4 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। इनके बाद उतरे सूर्या ने रोहित का जमकर साथ दिया और बढ़िया बढ़िया शॉट लगाए। सूर्या ने 47 रनों की अच्छी पारी खेली, पर इनके बाद अब रन गति धीरे पड़ने लगी थी और जरूरत थी तेजी से रन बटोरने की। ऐसे में उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी ली और घातक बॉलिंग कर रहे क्रिस जॉर्डन को लगातार 2 छक्के जड़ दिए और टीम का स्कोर 150 के पास पहुंचा दिया। पर बड़े शॉट लगाने के चक्कर में वह जॉर्डन का ही शिकार हो गए। इसके बाद लगने लगा था कि हम 160 के आसपास ही पहुंच गए तो भी चल जाएगा, पर टीम इंडिया के 2 गुजराती बापू अक्षर और जड्डू ने लास्ट में बढ़िया शॉट लगाया और टीम का स्कोर 171 रन पर लाकर खड़ा कर दिया। यह स्कोर इस पिच पर बढ़िया था, पर इंग्लैंड के बल्लेबाज भी बढ़िया थे। अब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई। इंग्लैंड का सबसे खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर सबसे पहले आया और आते ही बढ़िया शॉट लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने तेजी से रन बनाना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे 2022 का वो दिन कहीं फिर से दोहराया ना जाए, पर आज दिन अक्षर बापू का था। आते ही उन्होंने खतरनाक दिख रहे बटलर को वापसी का रास्ता दिखाया और बताया कि अंग्रेज गुजराती बापू के सामने न तब टिक सके थे और न आज टिक सकेंगे। इसके बाद बुमराह ने साल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया, फिर अक्षर पटेल ने लगातार झटके दिए। अब इन सब के बीच कुलदीप कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने उस समय टीम को ब्रेक दिलाया जब हैरी ब्रुक अच्छा खेल रहे थे और खतरा बन सकते थे। इसके बाद तो बस औपचारिकता ही बच गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी इंग्लिश टीम को महज 103 रनों पर ढेर कर दिया और टीम के विजय रथ को आगे बढ़ाकर फाइनल में पहले से ही जगह बना चुके साउथ अफ्रीका के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब फाइनल 29 को साउथ अफ्रीका से खेला जाएगा। दोनों ने ही इस सीरीज में अब तक हार का मुंह नहीं देखा और दोनों ही टीम का संतुलन शानदार है, तो आने वाला फाइनल बेहद ही रोमांचक और शानदार होने वाला है। आप बताइए कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। सालों से चोकर्स के नाम का बोझ लिए चल रही अफ्रीका अपने नाम के आगे विनर लिखवा पाएगी, या भारत के सालों का ICC ट्रॉफी का सूखा इस बारिश खत्म होने वाला है। जो भी हो, बड़ा मजा आने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।